हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा के रखा हूं। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर वीडियो भी लगा सकता हूं, किसी तरह के एनिमेशन भी लगा सकता हूँ। तो बस मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स भी दूंगा और यहाँ पर वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्रोमा की को यूज़ किया जाता है और आपको क्या क्या ज़रूरत होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अमेज़न से परचेस कर सकते हैं या फिर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट का जो है लिंक दे के रखा हूँ, जो मैं ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैंने इसी चैनल पर और एक वीडियो बना के रखा हूँ जहाँ पर मैंने ग्रीन स्क्रीन के बारे में बताया कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन को जो है लगाना होता है, किस तरह से लाइटिंग करनी होती है, कौन सी ऐप बेटर होता है वीडियो शूट करने के लिए अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा ऐप मैं यूज़ करता हूँ वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। सब कुछ मैंने और एक वीडियो पर बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो एडिटर डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। अगर आपको मोड वर्जन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, उसमें वाटरमार्क नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेनी है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है पावर एडिटर, साइबरलिंक पावर एडिटर, या फिर आप कैनमास्टर प्रो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और इसी तरह वीडियो पाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पावर डायरेक्टर को ओपन करके रखा है। जैसे आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है ऑप्शन आएगा, न्यू प्रोजेक्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये यह ओपन हो जाता है, और फिर यहाँ से जो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, पिक्चर या फिर वीडियो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे इस पिक्चर को मैंने क्लिक किया और फिर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक किया तो ये मेरा बैकग्राउंड पे चला गया। और फिर इसी तरह से मैं और अगर पिक्चर सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, तो फिर और एक सिलेक्ट करता हूँ, तो ये तीनों मैंने पिक्चर ले लिया। अब यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेन एंड जूम का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नो इफेक्ट करना है। नो इफेक्ट करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। जैसे आप यहाँ पर नो मतलब क्या था इसमें, नो इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि ये जब ये प्ले होगा, जैसे ये प्ले हो रहा है तो यहाँ पर पिक्चर जूम आउट जूम इन नहीं हो रहा है, ठीक है। राइट से लेफ्ट नहीं जा रहा है, लेफ्ट से राइट भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब बताता हूँ आपको आपके वीडियो कितना लंबा है, आपने जो ग्रीन स्क्रीन में जो वीडियो शूट किया है वो कितना लंबा है, उसके अनुसार आप इसे लंबा कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा लंबा करता हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये तो बैकग्राउंड में हो गया, अब हमें जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसे अपलोड करना है, यहाँ पर डाल देना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ओके। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो वीडियो है, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ से एक वीडियो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये जो वीडियो है, वीडियो को प्लस के आइकन पर क्लिक करके इस वाले ट्रैक में मैंने ले आया। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, सिंबल है लेयर का, तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब सिंपल करना क्या है, इस प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है और आपका जो वीडियो है ये एडिटिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, आपको अब एडिट करनी है, जैसे इसे आपको जूम करनी है, देखिए जूम करनी है इस तरह से, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल इस पेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम, फिर क्रोमा की, ठीक है, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है पेन, और फिर आप का जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ग्रीन वाला हिस्सा में आपको यहाँ पर लाके फिर यहाँ पर पेन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो ये इरेज हो जाएगा। अब फिर से आप इसे कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छा से जो है हो रहा है वहाँ पर आप कर देना, जैसे मेरा यहाँ पर हो रहा है जो इरेज हो रहा है अच्छे से, तो मैं यहाँ पर करूँगा। इस तरह से आप जो है कर लेना है, आपको देख सकते हैं ये इरेज हो गया बैकग्राउंड में। अब आपको क्या करना है, नीचे वाला जो यहाँ पर ऑपेसिटी मिलता है इसको कम या फिर ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता कि आप इतना ही जो आप
लेने से, जो आपको लेने से यहाँ पर इरेज हो जाएगा। ये आपके बैकग्राउंड जो है ग्रीन स्किन के अनुसार होगा। आप अगर आपकी ग्रीन स्किन अगर जो डार्क ज़्यादा है या फिर लाइट है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो ये आप समझ पाएंगे। अब आपको सिंपल यहाँ पर ओपेसिटी कम या फिर ज़्यादा कर देना है, और फिर आपको करना क्या है, प्ले के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो ग्रीन स्क्रीन जो मैंने क्रोमा की यूज़ किया है, यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह से आपको बैकग्राउंड जो है रिमूव करनी है। और दोस्तों मैंने और एक वीडियो बना के रखा हूँ, जहाँ पर मैंने सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के बारे में बताया कि ग्रीन स्क्रीन को जो है किस तरह से लाइटिंग करनी होती है। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो आपको जो है लाइटिंग में ध्यान रखनी होगी, किस तरह से आपको लाइटिंग करनी है और ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से लगाना होता है, और कुछ जो है आपको टिप्स भी बताऊँगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से जो है वीडियो की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो मॉड वर्जन है इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मॉड वर्जन चाहिए पावर डायरेक्टर को, पावर डायरेक्टर की मॉड वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा मॉड वर्जन, ठीक है। नहीं तो आप जो है प्ले स्टोर से इसे खरीद सकते हैं। और फिर आपको अभी करना क्या होगा, यहाँ पर सिंपल जब आपका एडिटिंग ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एक्सपोर्ट जो है सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे HD, SD, फुल HD, अल्ट्रा HD। अगर आप फुल HD या फिर अल्ट्रा HD पर क्लिक करते हैं तो आपको इस ऐप को ख़रीदना होगा, या फिर अगर बिना ख़रीदे अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ HD और SD पे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर HD पे सिलेक्ट करके रखा हूँ और यहाँ पर प्रोड्यूस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वीडियो जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे मैं बैक करता हूँ, और फिर देखिए यहाँ पर जो वीडियो जो है बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको वीडियो एडिट करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जो लाइक कर देना, और इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं एडिटिंग के रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।